मंदसौर जिला प्रशासन ने दलोदा थाना क्षेत्र में स्थित पॉली क्लिनिक को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि विनयदीप पॉली क्लिनिक नाम से चल रहे इस हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा रहा था। प्रशासन को मिल रही शिकायतों के आधार पर एसडीएम की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान क्लिनिक में दो कोरोना संदिग्ध मरीज भी भर्ती मिले, जिन्हें अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जांच टीम को यहाँ कई तरह की अनियमितताएं मिली है। क्लिनिक संचालक बिना डिग्री के ही मरीजों का इलाज कर रहा था। फिलहाल क्लिनिक और क्लिनिक के अंदर चल रहे मेडिकल स्टोर को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 20 वर्षों से बनाना में अपनी चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जिसमें पूरे मेरा क्लिनिक किराया चौपाटी का था, जहाँ मेरे साथ ग्रेजुएट डॉक्टर ललिता जी 24 घंटे अपनी सेवा देती है। मैं यूनी के अंडर में अपनी प्रैक्टिस करता था और मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं बताया कि एसडीएम साहब को किसने कंप्लेन की है कि मैं कोविड सेंटर चला रहा हूँ या कोविड के रेशन दे रहा हूँ। आज भी जो मेरे यहाँ पहुंचे, अगर कोई कोविड पेशेंट नहीं था या किसी का कोविड टेस्ट किया गया पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती नहीं था। मैं जो अपना क्लिनिक चला रहा हूँ वो डे केयर में चला रहा हूँ, रात्रिकालीन में भर्ती किसी को नहीं करता हूँ। अभी जो प्रीमाइसिस को सील कर रहे हैं, इसका अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, उसका केवल ओपीडी हमने चालू कर रखा है। साथ में एक मेडिकल स्टोर है चतना मेडिकल, उसको मैंने फार्मेसी से फार्मेसिस किराए से दे रखी है। ये बिल्डिंग मेरी अपनी मम्मी का नाम था, जिसका किराया उनके जाए। इनके संबंध में जिला प्रशासन को और जिला चिकित्सालय को निरंतर ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ये अनधिकृत रूप से धनार्जन के लोभ में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में, जिसमें ऐसे भी ये भी संज्ञान सूचना प्राप्त थी कि ऐसे भी मरीजों का इन्होंने इलाज किया जो कोरोना सस्पेक्ट थे या कोरोना हो सकते थे। निरंतर शिकायतों के तारतम्य में आज मेरे द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि इनके दो मरीज एडमिट पाए गए, जिनमें से एक मरीज को तथाकथित अपना फुफाजी होना बता रहे हैं और दूसरी मरीज यही लोकल की महिला है। दोनों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां थी, दोनों को ड्रिप इरीगेशन चल रहा था, दोनों को ऑक्सीजन लगा हुआ था। प्रशिक्षित डॉक्टर के नाम पर ये अपने को प्रशिक्षित डॉक्टर बताते हैं, तथाकथित ललिता जैन, डॉक्टर ललिता जैन का यहाँ आना जाना इन्होंने बताया। ये सारे तथ्यों की प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि ये अनधिकृत रूप से चिकित्सीय पेशा कर रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी आज क्लिनिक सील की जा रही है।